हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर केपीएस ट्यूटोरियल चैनल। मैं आपके लिए आया हूँ फिजिक्स के कुछ टॉपिक, जिसमें गति, बल, गति के प्रकार और बल के प्रकार भी आपको इसमें समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 2 आएगा, और जिसमें यांत्रिकी मैकेनिक्स में इसमें कई सारे टॉपिक आते हैं आपके, उनमें से कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, तो आपके बल आएगा इसमें, गति के नियम आएंगे। ठीक है ना, ओके तो ये सब चीजें हम पढ़ते हुए इसमें चलेंगे। ठीक है, तो अब हम पहला जो टॉपिक समझेंगे वो समझेंगे आपका विराम अवस्था। तो ये विराम अवस्था क्या चीज होती है, मैं आपके लिख दे रहा हूं यहां पे विराम अवस्था। विराम अवस्था कौन सी होगी, विराम अवस्था कौन सी होगी? या सर ये के सिर्फ एक चीज रुकी हुई है उसे ही हम विराम अवस्था कहेंगे। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु जो है अपने किसी भी गति की अवस्था में है, किसी भी अवस्था में, तो वो अपनी अवस्था में रुकी हुई है किसी भी तरीके से। अगर गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही है। ठीक है, और अगर वो क्या कहते हैं रुकी हुई है या फिर विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में है। इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी ये बनेगी कि यदि समय तथा प्रेक्षक की, यदि समय और प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, किसी बिंदु की स्थिति में परिवर्तन ना हो। जैसे मान के चल रहा कोई चीज चल रही है, कोई गाड़ी है अगर चल रही है बिना किसी रुकावट के, तो ये भी क्या है आपकी विराम अवस्था ही है। ऐसा नहीं किसी को स्थिर चीज को आपने विराम बोल दिया, ऐसा नहीं है, वो अपनी स्थिति में है और जिस कारण से भी है जितने समय तक है, तो उसके मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं अपने मोशन में, या फिर अपने मोशन में जो बिल्कुल चेंजेस नहीं कर रही है वो, तो ठीक है ना, तो वो क्या होगी आपकी विराम अवस्था कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी। ठीक है ना, अब विराम अवस्था के, अब जैसे ये तो गतिमान अवस्था, मतलब गतिमान अवस्था को अगर आपने विराम अवस्था कह दिया तो कुछ लोगों को लग रहा होगा विराम अवस्था क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं ये क्या है, अपनी क्या है गतिमान अवस्था भी बनाए रखी है इसने। ठीक है ना, गतिमान अवस्था भी बनाए रखी है और उसी स्थिति में लगातार बनी हुई है, तो ये इसकी विराम अवस्था हुई। ठीक है, एक दूसरी कौन सी है, ताकि मान के चलना जो विराम अवस्था है वो क्या है, जैसे कोई स्थिति में रुकी पड़ी है, कोई अपनी स्थिति कारण क्या है रुकी पड़ी है, और दूसरे इसमें क्या है, यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष, यदि समय तथा स्थिति के प्रेक्षक के सापेक्ष क्या है कोई परिवर्तन ना हो उसके मोशन में क्या है, या फिर वो किसी तरह की गति कर रही है तो गति कर रही है, विराम है तो विराम कर रही है, विराम में रुकी हुई है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, विराम अवस्था बोलेंगे, विराम अवस्था बोलेंगे। ठीक है ना, अब वो जो विराम अवस्था वाली है वो किसी भी निकाय के सापेक्ष हो सकती है, गति किसी वस्तु के सापेक्ष भी हो सकती है। ठीक है ना, आ गया समझ में, इसमें मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, किसी भी वस्तु तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष, वस्तु समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के, प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष, प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी इसकी होगी, विराम अवस्था कहलाएगी। इसे मान के चलना जमीन पर पड़ा हुआ कारपेट, तो ये क्या है आपके विराम अवस्था में है। जमीन पर लगे पेड़ पौधे हमें लगता नहीं कि वो कहीं मोशन कर रहे हैं, वो एक ही जगह लगे हुए हैं, तो क्या है वो एक ही स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे ही क्या है, मेज पर जो रखी हुई वस्तु है वो भी आपकी कैसी अवस्था में ही है भाई, आपकी विराम अवस्था में ही है। तो विराम अवस्था कौन सी बनी इसमें, कि अगर अपनी स्थिति के कारण दूसरी कोई प्रेक्षक है, ठीक है ना, तो उसमें कोई किसी भी तरीके से परिवर्तन ना हो रहा हो, ठीक है, वो उस स्थिति में लगातार बनी रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, विराम अवस्था बोलेंगे। और जैसे जमीन पर लगे पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई वस्तु, ये कौन सी अवस्था है आपकी, विराम अवस्था है। विराम अवस्था अगर आपने समझ लिया तो गतिमान अवस्था भी आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं,
ठीक है। अब चलते हैं गति। गति क्या चीज है? मोशन। गति बोलते हैं मोशन को। देखिए कोई वस्तु मोशन कैसे करती है, ठीक है ना, गति कैसे करती है, गति करने का कारण क्या है, ठीक है ना। कोई भी अगर ब्रह्मांड के अंदर वस्तु है, कोई भी है, कितनी भी इतनी सारी वस्तु हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही हैं, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पर लग रहा है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है? उन पर लग रहा है। तो क्या है, वो अपनी जो है गति में थोड़ा परिवर्तन कर रही है। मान के चलना वो स्थिति में क्या है, बदल रही है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या हो रही है, चेंज होती चली आ रही है। मान के चलना किसी बिंदु की या किसी कण की स्थिति पहले ये थी, उसने दूसरे कण पर शिफ्ट कर ली, फिर उसके बाद में तीसरे कण पर शिफ्ट हो गई, ऐसी चौथे बिंदु पर शिफ्ट हो गई, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपका गति का एक बन रही है शेप, ठीक है ना। यहाँ से इस स्थिति में, तो स्थिति में क्या आता जा रहा है, लगातार परिवर्तन आता जा रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गति। और इसी में आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी दूरी। दूरी क्या चीज होती है, ठीक है ना। दूरी आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि दूरी क्या चीज है। गति को अगर समझना है, गति तो वैसे सिंपल हो गया, क्या है, उसके चेंजेस में या फिर उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन आता जा रहा है, लगातार परिवर्तन आता जा रहा है। तो आपने क्या बोल दिया उसे, क्या बोल दिया, गति बोल दिया, ठीक है। ओके, तो आगे थोड़ा समझिए इसे। अब देखिए दूरी क्या चीज है, दूरी क्या चीज है, दूरी के बारे में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। तो इसकी ये है कि देखो, दूरी भी अगर कोई वस्तु तय करेगी तो वो गतिमान अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गतिमान अवस्था में, गतिमान अवस्था में, गतिमान अवस्था में किसी समय में, गतिमान अवस्था में किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। अब उसने जितनी दूरी तय करी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पथ की दूरी कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब किसी भी दूरी अगर आपको गति करनी है, तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि वो जो है गतिमान अवस्था में होनी चाहिए, गतिमान अवस्था में होनी चाहिए। अगर गतिमान अवस्था में नहीं है तो वो दूरी को कैसे चलेगा, या फिर कैसे वो आगे की ओर बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात तो ये रही। और अगली बात क्या है, देखिए दूरी जो है वो कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है, आपको ये चीज बहुत याद रखनी है। सदिश अदिश राशि मैंने आपको पढ़ा दी है इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है। सदिश अदिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, ये सदिश राशि कब होती है और अदिश राशि कब होती है। तो देखिए, हमने राशियों को जो है दो तरीके से डिवाइड किया था, उसमें दो तरीके से डिवाइड किया था, उसमें था एक मात्रकों के आधार पर, मात्रकों के आधार पर हमने तीन बार में डिवाइड करा था, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मतलब व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरी थी आपकी पूरक मात्रक, ठीक है ना। पूरक में आपके सिर्फ दो चीज आई थी, कोण और घन कोण के बारे में मैंने समझाया था। इधर दूसरे भाग में डिवाइड हुआ था वो ये था कि हमने दिशा और आधार, मतलब दिशा और परिमाण के आधार पर क्या करा था, डिवाइड करा था, दिशा और परिमाण के आधार पर डिवाइड करा था। तो उसमें दो चीजें थी, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वो थी जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और ऐसी क्या थी आपकी दूसरी वाली, जैसे मान के चलना अदिश राशि दूरी, दूरी जो है वो किसी भी मतलब दिशा को प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन वेग, वेग आपने लिखा हुआ देखा हुआ, तो वेग हमेशा वेक्टर ऊपर की ओर लगा रहता है, तो वेग जो है वो किसी भी दिशा को क्या करता है, निरूपित करता है, और उसके परिमाण को भी क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है ना। दिशा के साथ परिमाण को भी निरूपित करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम वेग कहते हैं। गतिमान अवस्था में किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखिए एक बात और है, ये क्या है आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो आपको इसमें क्या है, इसमें दिशा कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें दिशा कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये हमेशा जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, ठीक है, धनात्मक होगी, और कभी भी केवल ये परिमाण को व्यक्त करेगी,
केवल ये हमेशा क्या करेगी, परिमाण को व्यक्त करेगी, और इसका मान है शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता इसका मान, ठीक है, शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। देखिए शून्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी है, ठीक है, आप जो है एक स्थान से चल के गए और दूसरे स्थान तक पहुंचे, ठीक है, अगर आपने कुछ भी लंबाई को अगर तय करा है, तो लंबाई एक ऐसी राशि है जो हमेशा क्या है, प्लस में आती है, माइनस में नहीं आती, प्लस में आती है, माइनस में नहीं आती है, प्लस में आती है हमेशा, माइनस में नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये कभी वैल्यू क्या होगी, शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि लंबाई हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, माइनस नहीं होती, इसलिए दूरी कैसी राशि बनेगी आपकी, हमेशा धनात्मक बनेगी, ऋणात्मक नहीं बनेगी। उससे आगे चलते हैं हम, ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, देखिए ना, उससे आगे अगर हम चलेंगे तो पढ़ेंगे विस्थापन, विस्थापन दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखिए दूरी तो आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ गई, ठीक है, तो आपको तो आप देखिए ना, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए जब आपने किसी भी चीज की दूरी, क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु के, जब आप कोई गतिमान वस्तु की, तो इसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, अगर ये विस्थापन है तो अभी गतिमान वस्तु ने गति करना स्टार्ट किया, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की कुल न्यूनतम दूरी, या फिर निश्चित न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए गतिमान वस्तु द्वारा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के आरंभिक गतिमान वस्तु द्वारा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक न्यूनतम दूरी को, तक न्यूनतम दूरी को, या चली गई न्यूनतम दूरी को, तक चली गई न्यूनतम दूरी को, चली गई चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, चली गई न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, चली गई न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए ये अगर इसकी बात की जाए, ये कौन सी राशि आपकी बनेगी, ये सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो देखिए ये अगर आपकी कैसी है, देखिए कभी भी आपका अगर दूरी आप चल रहे हो, ठीक है ना, दूरी आप चल रहे हो, तो वो जो है किसी भी दिशा को निरूपित नहीं करती, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट चलते हो, क्योंकि इसमें देखिए एक सिंपल सी भाषा है, उसमें आपका दिशा निर्देशन नहीं है, दूरी के अंदर दिशा निर्देशन नहीं है, तो इसलिए वो कौन सी राशि आपकी, कैसी राशि है, वो अदिश राशि है। लेकिन आपका विस्थापन जो है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश है। इसमें क्या है, देखिए कभी दूरी इधर की ओर चली गई, दिशा इधर पलट कर इधर चली गई, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु आपका ये रहा और अंतिम बिंदु आपका ये रहा, यहां से और यहां तक की न्यूनतम दूरी को हम लेते हैं, यहां से मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को हम लेते हैं, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे, ठीक है, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है, ये आपकी सदिश राशि है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, विस्थापन जो है आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। देखिए शून्य कैसे होगा,
ठीक है, शून्य कैसे होगा? मान के चलना आपने अगर किसी वजन को क्या कर रखा, सिर पे रख लिया, और उस वजन को घूम घाम के क्या है कि एक स्थान पे, स्थान से चलना प्रारंभ किया, आप किसी भी जगह घूम घाम के वापस से उस बिंदु पर आके खड़े हो गए, तो यहाँ पर विस्थापन क्या माना जाएगा आपको? शून्य माना जाएगा। विस्थापन कैसे माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, ध्यान रखेंगे हमेशा। विस्थापन कैसे माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल से चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, ताकि आपको समझ में आ भी जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। देखिए, ए से बी जो है एक दूरी चली गई, ए से बी तक, ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट है। ए से बी तक दूरी चली गई 4 मीटर। ए से बी तक कितनी दूरी चली गई? 4 मीटर। और कौन सी दिशा में? पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में चली गई? ये पूरब दिशा में चली गई, ठीक है ना। अब पूरब दिशा में चली गई, ऐसी क्या है, आपने क्या करा, बी से सी तक एक दूरी चली, बी से सी तक एक दूरी चली, और वो किस दिशा में चली आपने? वो किस दिशा में चली? उत्तर दिशा में। ए से बी तक 4 मीटर दूरी चली गई पूरब दिशा में, ठीक है, और बी से सी तक जो दूरी चली गई उत्तर दिशा में, वो 3 मीटर चली गई। कितनी चली गई? 3 मीटर चली गई, देखिए ना, 3 मीटर। और दिशा कौन सी? उत्तर, ठीक है ना, उत्तर दिशा चली गई। आप देखिए, इसमें पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना बनेगा। तो देखिए, विस्थापन में, विस्थापन जो आपका, विस्थापन बनेगा आपका न्यूनतम दूरी कहलाएगा। विस्थापन आपका न्यूनतम दूरी कहलाएगा। अगर हम इस लाइन को यहां तक मिला दें, सी पॉइंट तक, कहां तक मिला दें? सी पॉइंट तक अगर हम मिला दें, तो सी पॉइंट तक अगर हमने मिला दिया, तो देखिए विस्थापन क्या बनेगा। आपने एक पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये, इसमें देखिए समकोण का 90 डिग्री हमने ले लिया, और ये समकोण हमने मान लिया कि भाई इन दोनों के बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, भाई कितने का बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए ये होता है आपका आधार, ये होता आपका आधार, ये होता आपका लंब, आधार लंब, और ये होगा आपका कर्ण। ये आधार हो गया, वो लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, आधार लंब और कर्ण हो गया, ठीक है। देखिए जरा समझिए, अब क्या है, कर्ण आपका बनना एसी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कर्ण क्या बना आपका? एसी, ठीक है। आधार बना आपका एबी, आधार बनेगा एबी, और लंब बनेगा आपका एसी। लंब क्या बनेगा आपका? एसी बनेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लंब क्या बनेगा आपका? एसी। आप देखिए, लंब आपका एसी बनेगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका जो होता है, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया। तो देखिए, मैं कुछ चीजें साफ कर दे रहा हूं यहां से, ये तो चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका उदाहरण हम ले रहे हैं, उदाहरण देखिए जरा, उदाहरण जो है वो कैसे है। तो हमने क्या करा, दो वेक्टर लिए, आपका ए से बी तक 4 मीटर की दूरी पूर्व दिशा में चली गई, बी से सी तक 3 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में चली गई, और हमने क्या बना लिया, एक बीच वाला एक कर्ण बना लिया, जिसे एसी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसमें बना, ठीक है। जब कर्ण का स्क्वायर लेंगे, तो एसी है आपका कर्ण, तो इसका मतलब एसी का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है आपका? आधार है एबी, तो एबी का स्क्वायर, ठीक है, एबी हो गया। और आपका जो लंब बनेगा, वो बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर आपका बना, ठीक है ना। अब देखिए, एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इसमें बना, तो हमें क्या निकालना है, इसमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। और न्यूनतम दूरी क्या होगी आपकी? कर्ण होगी, ठीक है ना। कर्ण अगर होगी, तो देखिए ना, इसका स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, एबी का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी है 4, 4 का स्क्वायर। बी सी कितना है भाई, बी सी, बी सी आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान आएगा 5, तो ए सी बराबर कितना आ गया 5।
एसी बराबर कितना आएगा भाई 5, क्योंकि एसी बराबर है ना, एसी बराबर चल रहा है, हमने अंडर रूट स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लगा दिया इसके ऊपर, तो एसी बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपकी न्यूनतम दूरी है, ये क्या है आपकी न्यूनतम दूरी है, सॉरी 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 मीटर में दे रखा है सब कुछ, तो आपका किस में आएगा 5 मीटर में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोबारा समझिए थोड़ा सा। देखिए दो वेक्टर इसमें लिए गए, या फिर ए से बी तक एक दूरी चली गई वो 4 मीटर पूर्व दिशा में, बी से सी तक एक दूरी चली गई 3 मीटर उत्तर दिशा में, और इसमें डेडनेस करके मिला दिया, इसे क्या बन गया कर्ण, क्योंकि यही न्यूनतम दूरी बनेगी, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल मान लिया, 90 डिग्री का एंगल मान लिया। ठीक है, ये पायथागोरस तभी बनेगी जब आपका समकोण बनेगा, समकोण अगर नहीं बनेगा तो पायथागोरस इसमें नहीं रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए याद आ गया। अब हमने क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब आधार है आपका AB, ठीक है, AB इधर लगा दिया, और ये लंब है आपका BC, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, तो 25 में से 5 आया 5 मीटर, तो AC कितना आ गया आपका 5 मीटर, मतलब कर्ण कितना बनेगा 5 मीटर, और यही क्या बनेगा आपका आधार बनेगा, सॉरी यही क्या बनेगा आपका विस्थापन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा विस्थापन। आगे थोड़ा चलते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम इसके आगे चलेंगे, दूरी और विस्थापन के बाद में आएगा आपका चाल, चाल क्या होता है, चाल तथा वेग हम समझेंगे, चाल तथा वेग क्या होगा, चाल थोड़ा समझते हुए चलेंगे, और वेग क्या होता है, चाल क्या होता है। ठीक है ना, तो कहीं क्या है आपकी चाल में, देखिए दूरी ली जाती है, दूरी बटे समय, मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। ऐसी अगर आपका विस्थापन लेंगे तो विस्थापन में, ठीक है ना, सॉरी वेग लेंगे तो आपने कितने समय में या एकांक समय में कितना विस्थापन तय किया है, ठीक है ना, कितना विस्थापन तय किया है, वो क्या आएगा आपके किसमें आएगा भाई, वेग में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें चाल बराबर लिखता है, चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को, ठीक है ना, कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, कुल दूरी को चाल कहते हैं। जब आप चाल कहते हैं, और ये दिशा आपकी जो राशि बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी जो राशि बनेगी वो बनेगी अदिश राशि। देखिए चाल कभी भी किसी भी, आपने देखा होगा चाल कैसे बनेगा, बोले क्या कहते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, या फिर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो उसमें कभी भी, ठीक है ना, दो ही चीज का उसमें वो चीज होती है। अब मान के चलना इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम जा रहे हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, दिशा की कोई बात आई इसमें नहीं आई, दिशा की कोई बात नहीं आई, जब दिशा की बात नहीं आई तो राशि कैसी बनी आपकी, अदिश बनी, मतलब 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, 45 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, ठीक है ना, 45 किलोमीटर दूरी आप तय कर रहे हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें केवल क्या है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल क्या होगी, आप चाल किससे डिनोट करते हैं बताइए ना, चाल आपकी स्पीड बनती है, ठीक है ना, चाल क्या बनती है आपकी, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसके मात्र की बात करेंगे, अगर दूरी है आपकी तो किसमें चली जाएगी, मीटर में, दूरी है आपकी मीटर में, और समय किसमें लिखा जाएगा, सेकंड में, ठीक है ना। तो जो चाल का जो मात्रक बनता है वो मीटर प्रति सेकंड बनता है। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा कितनी बनेगी बताइए, विमा मैंने इससे पहले ही बताई है। अगर दूरी है आपकी तो एल लेंथ, और समय क्या है आपका टी,
बीमा की बात करेंगे तो एल टी माइनस वन, इसकी बीमा बनेगी एल टी माइनस वन। सब चीजों को पढ़ते हुए चलिए और एक तरफ से पढ़ते हुए चलेंगे, कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारी, ये चीज रह गई। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे करेंगे हम वेग, वेग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, चाल हमने पढ़ ली, वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर हम क्या पढ़ेंगे, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होगा आपका, विस्थापन बटे समय। देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय, एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई, चले गए या चली गई दूरी को, चली गई दूरी। और इसमें देखिए, दूरी हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात विस्थापन, आपको विस्थापन ज्यादा ध्यान रखना है, यानी अर्थात विस्थापन को क्या कहते हैं, विस्थापन को उस वस्तु का या उस गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो ये आपकी कैसी दिशा, कहते हैं निश्चित दिशा की, जब इसमें बात आ गई, आपने किसकी बात करी, इसमें निश्चित दिशा की अगर हमने बात करी, ठीक है, निश्चित दिशा की अगर हमने बात करी, तो आपका ये किसमें आ गया, सदिश राशि। ये कौन सी राशि बनेगी आपकी, सदिश राशि बनेगी। ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय अगर आपका है, ठीक है ना, विस्थापन बटे समय है आपका, तो इसका अगर हम बनाएं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टाइम होता है, ये वेग होता है, इसका मतलब वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं, तो वी वेक्टर बराबर डिनोट करेंगे डी वेक्टर अपॉन टी, डी वेक्टर अपॉन टी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो विस्थापन है वो एक दिशा को निरूपित करता है, विस्थापन जो एक दिशा को निरूपित करता है। तो ये राशि कौन सी बनी आपकी, सदिश राशि बनी। कैसी राशि बनी आपकी, सदिश राशि बनी। अगर इसके मात्रक की बात करें, तो देखिए मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा इसका, मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसकी बीमा की बात करें, तो बीमा क्या बनेगी, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी, और टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इसकी बनेगी। ठीक है, एल टी माइनस वन ये बनेगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए, वेग बराबर, वेग क्या होता है, वेग आपकी कैसी राशि है, वेग आपकी कैसी राशि है भाई, वेग आपकी सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया जाता है, विस्थापन का जिक्र किया जाता है, और विस्थापन जो है वो एक दिशा को निरूपित करता है। जब कोई भी चीज या फिर कोई भी वस्तु, ठीक है ना, किसी में अगर दिशा का निरूपण हो रहा है या फिर दिशा को निरूपित किया जा रहा है, तो वो क्या आपकी कौन सी राशि बनेगी, सदिश राशि बनेगी। वेग बराबर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, अर्थात विस्थापन को, उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और समय को बोलते हैं टी, या समय को बोलते हैं आप, समय को सेकंड में डिनोट करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें, तो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, बीमा आपकी बनेगी एल अपॉन टी, और एल टी माइनस वन आपकी बीमा बनेगी। ठीक है, बीमा आपकी बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आपकी चार चीजें इसमें कंप्लीट हुई। अभी क्या क्या चीज पढ़ ली हमने, अभी चीजें समझ में आ गई आपको अच्छे से। आगे चले, अब आगे चलते हैं, देखिए आप औसत चाल क्या चीज होती है, औसत चाल भी थोड़ा पढ़ लीजिए, औसत चाल। ये चीज अगर रह जाती है, तो फिर लगता है कि बोले ये चीज अगर रह रही है, तो फिर अच्छा ही लगता है। ठीक है ना, औसत
एवरेज एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना, एवरेज स्पीड इसे बोलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या आएगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकम समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है ना। एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं आप, औसत चाल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप कुल दूरी, अधिक कुल दूरी आपने किसी समय में तय करी, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आपको बस जहां भी औसत अगर की बात करी है, एवरेज की अगर बात करी है, तो आप क्या लोगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका इसमें क्या बन जाएगा, तो आपकी औसत चाल इसमें बन जाएगी, ठीक है। देखिए कभी भी औसत चाल मान के चलना कैसे होगी, कभी भी दो वस्तुओं की जो चाल है थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा, ऐसा नहीं है वो सेम स्पीड से चलती रहे। तो हम क्या करेंगे, दो भी चीज में अगर दो चीजें चल रही हैं, दो ट्रेन चल रही हैं आपकी, ये देखिए, कभी भी इनकी स्पीडों में अंतर जरूर आएगा, इनकी स्पीडों में अंतर आएगा, तो इन दोनों की चाल में अगर कैसे निकाला जाएगा, या इन दोनों की औसत चाल क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, एक औसत मान लेते हैं कि भाई औसत दूरी कितनी होनी चाहिए, और मतलब सॉरी कुल दूरी कितनी होनी चाहिए इनके द्वारा तय की और कितने समय में इन्होंने तय करी, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू मानते हैं और उसी के द्वारा क्या निकालते हैं, हम आपकी औसत चाल निकालते हैं। अब ऐसे ही आ जाइए, औसत वेग अगर औसत वेग की बात करेंगे, औसत वेग का मतलब है एवरेज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वस्तु द्वारा किसी समय में, वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन या विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात क्या बोलाएगा, बोला जाएगा आपका वस्तु का औसत वेग कहलाएगा, ठीक है, वस्तु का औसत वेग कहलाएगा। ऐसे ही वी वेक्टर से आप प्रदर्शित करेंगे, वी वेक्टर से आप प्रदर्शित करेंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय इसमें आएगा। तो आप डी वेक्टर अपॉन टी आपको याद रखना है, ठीक है ना। या फिर एक चीज और भी है इसमें, एक तरीके से और आप क्या कर सकते हो, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे दो, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे दो। देखिए जरा समझिए, कोई भी वस्तु ने अगर चलना प्रारंभ किया तो उसका प्रारंभिक वेग u होता है और उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, अभी स्टार्ट किया है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, आपका जीरो होगा। अब हल्के हल्के जीरो से वो बढ़ेगा, ठीक है ना। अब उसकी एक लिमिट है कि वो उतना वेग बढ़ा सकता है अपना, ठीक है ना। अब वो कितना ही वेग उसमें बढ़ा सकता है, ठीक है, तो उसमें वेग बढ़ाने के बाद इतने से इतना हो गया, ठीक है ना। तो दोनों प्रारंभिक और अंतिम अंतिम वेग को आप लिखते हो भी, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा, ठीक है, औसत वेग आ जाएगा। आगे इसमें समझिए, सापेक्ष वेग क्या होता है, सापेक्ष, ये तो औसत वेग की बात हो गई, सिंपल सी बात है, सापेक्ष वेग क्या होगा वो भी थोड़ा समझ लीजिए आप। सापेक्ष वेग को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी से कहेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन या परिवर्तन की दर होता है, और विपरीत भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का सापेक्ष वेग किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन दूसरी वस्तु के
दूसरी वस्तु के किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में, दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में, सापेक्ष विस्थापन में, सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, परिवर्तन की दर होता है, परिवर्तन की दर होता है कि मतलब इन दोनों में कितना परिवर्तन आया। और कभी कभी क्या होता है, विपरीत भी होता है, कभी कभी विपरीत भी होता है, कभी कभी विपरीत भी होता है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है कि भाई दोनों के वेगों में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितने दोनों के विस्थापन में कितना वेग में मतलब क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो आपको देखना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। ओके, दोनों आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। जिस वस्तु के सापेक्ष वेग निकाला जाता है उसे स्थिर मानकर दूसरे वस्तु का वेग, ठीक है ना। अब क्या हो, जिस वस्तु के वेग को अगर सापेक्ष वेग निकालना है उसे क्या मान लेंगे आप, स्थिर मान लेंगे, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, दूसरे के सापेक्ष उसे निकालेंगे, दूसरे के सापेक्ष उसे निकालेंगे। जैसे बी के सापेक्ष ए का वेग, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग अगर हम निकालें तो क्या बनेगा, v के सापेक्ष ए का वेग अगर हम निकालें तो क्या बनेगा। देखिए इसमें v a v वेक्टर बनेगा, v a v वेक्टर इसमें बनेगा, v a v वेक्टर अगर इसमें बनेगा तो इसमें देखिए कौन से वाले में से किस वाले को आप घटाओगे, तो देखिए a v a वेक्टर, v a वेक्टर में से v v वेक्टर घटाया जाएगा, v a वेक्टर में से बी बी वेक्टर घटाया जाएगा जब ये एक एक ही दिशा में दोनों गतिमान हो, एक ही दिशा में दोनों गतिमान हो, एक ही दिशा में दोनों गतिमान हो, एक ही दिशा में दोनों गतिमान हो। अब आगे देखिए रहा, जैसे अब मान के चलना दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। देखिए अगर एक ही दिशा में है तो आप घटा रहे हो, और दोनों ही क्या हो, विपरीत दिशा में हो, अलग अलग जा रहे हो, ठीक है ना। तो उस समय क्या होंगे, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। वी ए बी वैक्टर बराबर वी ए वैक्टर प्लस वी वैक्टर, दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, और दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, विपरीत दिशा में गतिमान होंगे। ध्यान रखेंगे कभी भी अगर विपरीत दिशा में गतिमान होंगे तो क्या होगा, बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा, मतलब बी ए बी वेक्टर अगर आप निकालोगे तो बी के सापेक्ष ए का वेग होगा, अगर वो एक ही दिशा में है तो घटाए जाएंगे और अलग अलग दिशा में है तो जोड़े जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गलती ना हो, कि गलती ना हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे चलिए, और आगे चल के हम पढ़ते हैं गति के समीकरण, ठीक है। गति के समीकरण अगर हम पढ़ेंगे उससे पहले हम लेते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, जिसे एसिलरेशन कहा जाता है, त्वरण क्या होता है, एसिलरेशन, ठीक है ना, एसिलरेशन कहा जाता है, एसिलरेशन। त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, वो क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या है, दो तरीके से आपको त्वरण समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी भी किसी गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या बोलेंगे आप, त्वरण बोलेंगे, या फिर वेग परिवर्तन, ठीक है ना, वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को क्या बोलते हैं आप, वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को क्या बोलते हैं आप, वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं, पहले वेग परिवर्तन की धनात्मक, वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को
त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए इसकी दो डेफिनेशन बनेंगी एक जैसी, एक तो ये बना दिया मैंने, एक डेफिनेशन और मैंने आपको बताई थी, किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, किसी गतिशील वस्तु के वेग में, किसी गतिशील वस्तु के वेग में, किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि। मान के चलना आप कोई वस्तु जो है किसी वेग से चलना स्टार्ट करिए, अगर मान के चलना प्रारंभिक वेग क्या उसका 0 है, प्रारंभिक वेग अगर उसका 0 है तो अगर वो स्पीड को बढ़ाएगा, सॉरी वेग को अगर अपने बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा कुछ और लेके जाएगा, ठीक है ना, बढ़ाते हुए जाएगा, 0 से उसका वेग बढ़ेगा और 1 सेकंड में कोई ना कोई उसमें वेग में क्या हो रहा होगा, परिवर्तन आ रहा होगा या फिर इसमें क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे उसे, त्वरण बोलेंगे। वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को, अगर वेग धनात्मक है मतलब बढ़ता जा रहा है तो आपने क्या बोल दिया सर, त्वरण बोल दिया, क्या बोल दिया, त्वरण बोल दिया। ऐसे आप इसमें पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब इसी का ये टॉपिक है जिसे बोलते हैं मंदन, मंदन, ठीक है ना, मंदन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऋणात्मक त्वरण। क्या था इसका नाम, ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। इसमें तो कोई चीज क्या है धनात्मक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप ऐड करते जा रहे हो किसी चीज को, तो क्या आएगा आपके धनात्मक त्वरण में आएगा, यहां पे आपको लिख दूं धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, अब कोई चीज आप उसमें ऐड करते जा रहे हो, उसमें ऐड करते जा रहे हो तो चीजें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना, जब उसका मान बढ़ता जा रहा है तो आप क्या है इसमें, इसे बोल रहे हैं धनात्मक त्वरण, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, तो वो क्या आएगी आपकी धनात्मक त्वरण या त्वरण आप कहेंगे, वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। ऐसे आपका होता है मंदन, मंदन क्या है, मंदन ये है कि किसी भी, इसमें आप कोई सी डेफिनेशन भी आपको बना सकते हो, दोनों डेफिनेशन आपके हाथ में ही है, इसमें होने वाली वृद्धि लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगी कमी। वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को मंदन कहते हैं, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं, वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऐसे अगर आप आगे चलोगे, किसी वस्तु से, किसी गतिशील वस्तु के वेग में, लिख देता हूं यहां पे, किसी गतिशील वस्तु के वेग में, किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में होने वाली, 1 सेकंड में होने वाली कमी, 1 सेकंड में होने वाली कमी को क्या बोलेंगे आप, ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण दोनों क्या होंगे, ठीक है ना, जिसमें आपका मान बढ़ता जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे उसमें, धनात्मक त्वरण, जिसमें घटता जा रहा है तो उसमें ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे, ठीक है। आगे आप चलते हैं थोड़ा सा, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, ठीक है, देखिए अगर इसमें से एक चीज मैं आपको बता देता और एक चीज इसमें रह जाती तो वो क्या है, गलत होता, ठीक है ना। तो अब क्या, मैंने दोनों चीजें आपको समझा दी, कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। त्वरण जो है आपकी कौन सी राशि है वो भी आपको पता होना चाहिए, त्वरण कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि है आपकी, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि ये आपके दिशा को भी निरूपित करती है, ये आपके दिशा को भी निरूपित करती है, इसीलिए हम लिखते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर। अगर आप लिखोगे तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, अगर हम इसमें कहेंगे वेग परिवर्तन बटे समय, इसमें अगर हम कहेंगे, ठीक है ना, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय आप कहोगे, तो अब देखिए अंतर कैसा आएगा, जो अंतिम वेग है आपका, ठीक है ना, अंतिम वेग है ये, तो यू रहा आपका और ये कह रहा आपका मतलब यू तो आपका 0 हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा और अंतिम वेग में हमने हमने बी मान लिया, उसकी वैल्यू कोई ना कोई बढ़ी हुई घटी हुई होगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, आप बी टू बी वन मान सकते हैं या यू आर बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बी माइनस यू अपॉन समय का अंतर,
ये समय अंतराल भी आप कह सकते हो, समय अंतराल आप लोगे तो ज्यादा में से कम को घटाओगे, तो इसका मतलब T2 माइनस T1 जो पहले स्टार्टिंग में कितना समय था और बाद में कितना था, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब इसकी अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक कैसे निकलेगा इसका, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल में आप वेग को याद रखिए, वेग का क्या था, विस्थापन बटे समय था, वेग का क्या था, विस्थापन बटे समय। तो आपको याद रखना है L अपॉन T आपको याद रखना है बटे समय अंतराल, या फिर समय आपको याद रखना है, समय भी आपका T हो गया। ये वाली वैल्यू नीचे उतर के आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू जब नीचे उतर गई, एक T ये वाला, एक घात ये और दूसरी घात ये, तो L अपॉन T स्क्वायर इसका फॉर्मूला बना। और इसे अगर दूसरी तरीके से लिखेंगे तो LT-2 लिखेंगे, LT-2 लिखेंगे, ठीक है, LT-2, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है मात्रक, इसमें दोबारा से लिख देते हैं, मात्रक हमने निकाल के नहीं बताया, दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, निकाल क्या बनेगा उसका, मात्रक बनेगा m/s² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वो कैसे बना वो भी समझ लीजिए, देखिए वेग बराबर होता है, ठीक है ना, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे समय होता है, ठीक है ना। इसका हो रहा मीटर और इसका हुआ सेकंड, अगर इसकी वैल्यू में यहाँ पर रखूंगा तो नीचे भी समय है, नीचे भी अगर समय है तो मतलब मीटर प्रति सेकंड बटे, और यहाँ पर भी क्या है सेकंड है, ये वाला सेकंड उतर के नीचे आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक घात इसकी, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आती चल रही होंगी हल्के हल्के, ठीक है। मैं अपनी तरीके से बताता हूँ, और किताबी भाषा अगर मैं लेके आऊंगा यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।